बीजेपी के जो नेता है उनको खतरा है, खतरा किस तरह का? ये सब इसका तो विधिवत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी के अधिकारी इसकी जानकारी देंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिहार आगमन की सूचना हम सभी लोगों को प्राप्त है, उनके कार्यक्रम से संबंधित जो विषय है उसकी विस्तृत जानकारी पार्टी स्तर से रिलीज की जाएगी। देखिए बीजेपी और एनडीए के लोग राष्ट्र की चिंता करते हैं, राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ राष्ट्र विरोधी ताकत समय समय पर अपना फन उठाने का काम करती है। और आपने देखा होगा 14 से जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सरकार बनी है तो आतंकवादियों को कुचलने में ये सरकार लगातार कामयाब रही है। तो इस प्रकार की धमकी और इस प्रकार के वातावरण से बीजेपी या एनडीए के नेता कभी घबराते नहीं हैं, उसको खोज खोज करके उसको कठोरतम सजा देने का काम करते हैं, उसका मुकम्मल इलाज करने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग करते हैं। इससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। क्या है कि जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलिप्त होंगे वो बक्से नहीं जाएंगे। एनडीए की सरकार जहां भी है या राष्ट्र के अंदर कहीं भी किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त सरकार, संलिप्त आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त एजेंसी, संलिप्त संस्था, वो सरकार किसी भी हालत में बकसने वाली नहीं है। उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, सरकार सजग है, सरकार उसका ठोस इलाज करने वाली है। ऐसे संगठन जो सर निश्चित रूप से अगर प्रमाणिकता उसकी आ जाती है, देश की सर्वोच्च संस्था उस चीज की जांच कर रही है, जांचोपरांत आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त कोई भी संस्था होगी निश्चित रूप से उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। हम लोग अभी समुद्र पार योजना देश के बाहर बिहार के जो मजदूर श्रमिक या कोई हुनर युक्त व्यक्ति बाहर काम करने जाते हैं उनके लिए हम लोग समुद्र पार योजना लाए हैं। और समुद्र पार योजना के तहत विभाग ने विभाग के अंदर ही एक नोडल एजेंसी बनाई है, वह बिहार के बाहर जाने वाले श्रमिकों का मुकम्मल व्यवस्था करेगी, उनके हित की चिंता करेगी। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम लोग एक टॉल फ्री नंबर भी रिलीज करने वाले हैं कि अगर बिहार के बाहर अन्य देशों में किसी प्रकार के तकलीफ में बिहार के मजदूर या अधिकारी या पदाधिकारी किसी भी स्तर में काम करने वाले लोग जो विदेश में काम कर रहे होंगे उनके साथ किसी प्रकार की परेशानी होगी तो बिहार की सरकार भारतीय दूतावास से बातचीत करके उस समस्या के समाधान की चिंता करेगी। और साथ ही साथ विदेश में हुनर के हिसाब से जो अपने श्रमिक हैं उनके पास जिस प्रकार का हुनर होगा उस प्रकार के हुनर के हिसाब से जॉब ढूंढने में भी हम लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं कि जॉब कहाँ है, किस प्रकार का जॉब है, किस प्रकार के हुनर से संबंधित जॉब है, उसको भी सर्च आउट करके उसको भी ढूंढ करके जॉब देने दिलाने का भी काम इस एजेंसी के माध्यम से समुद्र पार योजना के माध्यम से आने वाले दिनों में कर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।